हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु फिल्म्स एंड टॉक। तो आज मैं बात करूंगा, पहली बात तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है ब्लॉगिंग में। अब 360 का टाइम आ गया है, तो ज़्यादातर लोग 360 कैमरा यूज़ कर रहे हैं। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ इंस्टा 360 X2, राइट। तो इसका क्या प्रॉब्लम क्या है, इसकी एक्सेसरीज भी आती है, इसका मैं अनबॉक्सिंग में बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक से यूज़ कर लूँगा फिर आपको इसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो यूज़ करने के बाद ही मैं बताने वाला हूँ कि इसका क्या रिजल्ट है। तो क्या है कि जब मैं शूट कर रहा तो ये इसके अभी आप लेंस में देखोगे यहाँ पे हल्के से स्क्रैच आ गया है, तो इसके लिए बहुत माइनर स्क्रैच है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हमें फॉर सेफ गार्ड इसका यूज़ तो करना ही करना है, तो इसके लिए मैंने क्या है लेंस कवर मंगाया हुआ है। तो मैं इसके थोड़े बहुत फीचर्स भी बता भी देता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप सोलो शूट कर रहे हैं तो कोई साथ में नहीं है कैमरा पकड़ने के लिए। और हाँ, बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें आप फेक ड्रोन शॉट ले सकते हैं, तो वो मैं आप क्लिप में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने शूट किया। इसके साथ इंडिविजुअल सेल्फी स्टिक भी आती है, इसका ट्राईपॉड भी आता है, और इसका एक्चुअल पूरा जो है एक एक्सेसरीज का पूरा एक किट आता है। बट मैंने किट नहीं लिया, मैंने क्या किया है, मैंने एक इसका एक लेंस कवर मंगाया हुआ है, जो मैंने अमेजोन से नहीं मंगाया, जहाँ से मैं सारी एक्सेसरीज लेता हूँ, मैं दिल्ली से एक शॉप है वहाँ से मंगाता हूँ, उसका मैं लिंक नीचे आपको दे दूँगा। तो ये है फ्यूचर फॉरवर्ड करके, तो जो लोग दिल्ली में शायद रहते हैं उनको शायद पता होगा कि ये कैमरा की शॉप है जहाँ पर सारी एक्सेसरीज, बैग, कैमरा, लेंसेज और बहुत सी एक्सेसरीज आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है बाई कर सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने अभी इस समय मैं पुणे में हूँ, आजकल मैं पुणे में ही रहता हूँ, तो मैंने जो भी मैं एक्सेसरीज मंगाता हूँ वहीं से मंगा लेता हूँ, तो ये मैंने मंगाया वहीं से मंगाया है। तो इसको मैं अभी खोल लेता हूँ। और हाँ, इस कैमरे के बारे में मैं आपको डिटेल व्यू जरूर दूंगा कि इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, और मुझे एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग वाकई में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेना चाहते हो तो इसको परचेज करिए। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसकी दो ऐप है, एक मोबाइल ऐप है और एक अपना कंप्यूटर के लिए डेस्कटॉप ऐप है, दोनों अलग अलग हैं। और चलो, जो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, इस कैप को अनबॉक्स करता हूँ, इसको नहीं तो ऑलरेडी अनबॉक्स हो चुका है। पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आप एक्सेसरीज मंगा रहे हैं तो जेन्युइन एक्सेसरीज मंगाइएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इस पर फिट नहीं होती हैं। तो मैंने इंस्टा 360 का ही कवर मंगाया हुआ है, इसका लेंस कैप, तो इसमें हल्का सा माइनर स्क्रैच यहाँ पे आया है। मैं वाटर के अंदर गया था तो मुझे लगा कि शायद ले लेना चाहिए। और इसको जब भी आप रखिएगा तो इसको ट्राईपॉड पे लगिए, चार्ज कर रहे हैं कैसे भी रखें, ऐसे मत रखिएगा क्योंकि स्क्रैच आने की संभावना है। अगर रखते भी हैं तो इसका सपोर्ट लेके इस तरीके से रख सकते हैं इसको, और बहुत ही प्रीमियम ये कैमरा है और थोड़ा सा कॉस्टली भी है, तो हमें शायद प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होगा। तो इसको मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेते इसको खोलता हूँ। ये भी आप देख सकते हैं, ये मैंने ना फ्यूचर फॉरवर्ड से ही मंगाया हुआ है, दिल्ली में ये लाजपत नगर में एक शॉप है जहाँ से आप, अगर आपको मंगाना है तो आप कैरी कर मंगा सकते हैं। इंडिया में कहीं भी हों ये आपको जो है कुरियर सर्विस के थ्रू भेज देंगे, मुझे DTDC से आया हुआ ये। अच्छे से इन्होंने किया है इसको, छोटी से छोटी चीज है ना, थोड़ा उस तरीके से होता है।
का बिल मुझे तकरीबन ये टैक्स लगा करके 1000 रुपीज का पड़ा हुआ है। तो खोल लेते, ये देखिए इंसा 360 लेंस कैप, तो ये सिलिकॉन का कवर है और अच्छा भी कवर है, बहुत ही अच्छा कवर है, मुझे तो बहुत ही ड्यूरेबल लगा क्योंकि मैंने इसके जो है फीडबैक भी पढ़े हुए थे तो अच्छा है। यहाँ पे देखिएगा ये इंस्टा 360 यहाँ पर जो है इन्होंने पंच भी किया हुआ है, इस साइड में भी है। तो अब ये क्या है कि इन केस मैं मान लीजिए सपोज क्या होता कि मैं इस कवर में भी रख सकता था, बट क्या इसका क्या है? जब भी आप मान लीजिए ट्राइपॉड पे लगा के रखा हुआ है और कभी हो सकता है बाई चांस हवा की वजह से गिर गया या कुछ हो गया तो ये लेंस पे डेंट या टूट जाने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि जब आप शूट कर रहे हो तब तो आप ये कवर नहीं करोगे। हाँ, इसको कैप, कोई छोटा सा कैप है, छोटा सा कैप, इसको आप अच्छे से इस तरीके से लगा सकते हो। तो ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट जो है फिट हो गया, ये करेक्ट। सो अब मेरा जो लेंस है ना सेफ है और इसको मैं इस तरीके से कवर कर सकता हूँ। इस बॉडी को कवर करने के लिए भी फिलहाल एक्चुअली मैंने देखे बहुत से ऑप्शन थे बट ये पूरी बॉडी का कवर मुझे ठीक से अच्छा क्वालिटी का मिल नहीं रहा था तो मैंने यही ऑर्डर किया। और इसको प्रॉपर कवर करने के लिए आप या तो एक कैरी बैग ले लीजिए या इसमें ही रख लीजिए, सब में किसी में भी रख सकते हैं डस्ट से बचाने के लिए। कोई भी अगर ये सारी चीज़ें एक्चुअली लेंस वगैरह जो सारी प्रीमियम चीज़ें होती हैं तो इनको मेरे ख्याल से अच्छे से कैरी करना चाहिए। लेंस आपका क्लीन होना चाहिए प्रॉपर और बाकी ठीक है। और हाँ, इसका जो आप मैं इसका जो है शूट, इसके कैसे शूट आते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, इसके क्या फिल्टर्स हैं, क्या ट्रांजिशंस हैं, धीरे धीरे मैं देता रहूँगा क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। सो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, इनकेस आप परचेज करने के लिए सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और उसके साथ उस कुछ एक्सेसरीज हैं जो लेनी ज़रूरी हैं, आपको लेनी चाहिए वो भी लीजिएगा। और इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा और सिनेमेटिक ब्लॉग भी बताता रहूँगा, अपनी स्टोरीज भी शेयर करता रहूँगा, इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।